लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बुराड़ी कांड, क्या भूत बंगला बन जाएगा भाटिया परिवार का यह आशियाना? नई दिल्ली, कुमार गजेंद्र। बुराड़ी सामूहिक आत्महत्या मामले में लोगों के सामने अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या भूपी और ललित का यह तीन मंजिला मकान अब भूत बंगला बन जाएगा? इलाके के लोग डरे हुए हैं। गली मोहल्ले में रहने वाले लोग इस मकान के आगे से भी गुजरने में दहशत खा रहे हैं। शाम होते ही सबके दरवाजे बंद जो जाते हैं। बच्चों का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। सुबह स्कूल जाने के लिए भी बच्चे दूसरा रास्ता चुन रहे हैं। रात में लोग इस मकान के आगे से भी गुजरने में डर रहे हैं। भुवनेश्वर उर्फ भूपी और ललित दोनों ही भाइयों के परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। पीछे कोई इस मकान का वारिस नहीं बचा है। जो बच्चे हैं वह राजस्थान के कोटा में रहने वाला ललित का भाई दिनेश का परिवार यहां आकर रह नहीं सकते। ऐसे में इस मकान को बंद करना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। इस मकान को बेच पाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बिल्डर फिलहाल तो इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब इस मकान में कौन रहेगा? संत नगर की गली नंबर 4 में बना यह मकान दिन में जहां लोगों की जिज्ञासा का कारण बना हुआ है, वहीं रात होते ही इस मकान के आगे से भी कोई नहीं गुजरना चाहता है। इलाके के लोगों की माने तो यहां किराए पर रहने वाले कई लोगों ने अपने मकान मालिक को बता दिया है कि वे अगले माह मकान खाली कर रहे हैं। इलाके के लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिस तरह से एक साथ एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या की है, उससे तो दहशत फैली ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों में आत्मा और तंत्र मंत्र की बात से डर फैला है। रही सही कसर मकान से बाहर की ओर निकाले गए 11 पाइप और 11 ग्रिल ने पूरी कर दी है। उधर सूत्रों की माने तो इस मकान से केवल आम लोग ही नहीं डर रहे हैं, बल्कि पुलिस वालों में भी डर देखा गया है। जांच के लिए अंदर जाने की बात आते ही कोई भी पुलिस कर्मी अकेला मकान के अंदर नहीं जाता है। शुरू में पुलिस कर्मी आसानी से अंदर जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इन आत्महत्याओं का रहस्य खुलता गया, पुलिस कर्मियों ने भी मकान के अंदर अकेला जाना बंद कर दिया। इस बात को भी जुबान से क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में इस मकान को सील करने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।